एशिया कप 2018 के सुपर चार मुकाबले के पहले दिन भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हुआ। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा। आज भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय तेज गेंदबाजों ने एक बार फिर टीम को शानदार शुरुआत दी। भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में सलामी बल्लेबाजी लिटन दास को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज नजमुल हुसैन को भी पवेलियन भेज दिया। इसके बाद एक साल से ज्यादा समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। इसके बाद 173 रनों पर बांग्लादेश की पारी सिमट गई। उनके लिए मेहदी हसन ने सबसे ज्यादा रन बनाए। भारत के लिए जडेजा को 4 विकेट मिला। भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन ने संभल कर बल्लेबाजी की। पहले विकेट के लिए दोनों ने 61 रनों की साझेदारी बनाई। शाकिब ने धवन को आउट कर दोनों की जोड़ी को तोड़ा। धवन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायड्डू सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गया। रोहित और धोनी ने तीसरे विकेट के लिए 64 रन जोड़े। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश को कोई मौका नहीं दिया और 37वें ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारतीय कप्तान ने सबसे ज्यादा नाबाद 83 रन बनाए।